हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन का ये 10वां लेक्चर है और क्लोजर ऑफ ए सेट का ये पहला है। इसके पहले हम लोग इंटीरियर ऑफ ए सेट देखे थे, उसके पहले ओपन सेट क्लोज सेट्स देखे थे, उसके पहले नेबरहुड देखे थे। तो मैंने शुरू में आपको बोला था टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन के न्यू की जो पहली ईंट है वो है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। उसी से हम सारी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बार मैं फिर नेबरहुड की चर्चा करके फिर आगे बढ़ूंगा। नेबरहुड, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ऑफ कैपिटल आर माने नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर, अ सेट कैपिटल एम प्रॉपरली कंटेंड इन आर इज सेट टू बी अ नेबरहुड ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आर इफ देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन सेट। ये भी तो कहीं पढ़े थे आप, एन ओपन सेट जी से सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, जी इज सबसेट ऑफ कैपिटल एम। ये आप पढ़े थे। और डेफिनेशन आप पढ़े थे, एम प्रॉपर सबसेट आर इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर इफ देयर एग्जिस्ट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ कैपिटल एम। सबसे पहले आप ये डेफिनेशन पढ़े थे नेबरहुड स्टार्ट में, इसके बाद ये डेफिनेशन पढ़े थे आप ओपन सेट्स वाले में। ओपन सेट का आइडिया लेने के बाद नेबरहुड और ओपन सेट के आइडियाज को हमने कंबाइन किया था यहां पे। यही है नेबरहुड, समझ में आ गई बात। अब मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं कि ये जो ओपन इंटरवल है जिसको हम प्रायः कह देते हैं ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट एक्स, इसका मिडिल पॉइंट कौन होगा? देखो एक्स बीच में है, एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर, एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर कट कर लिया, तो ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन विथ मिडिल पॉइंट एक्स, विथ मिडिल पॉइंट एक्स ना बोल के हम उसको बोल दे रहे हैं ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट एक्स। ये खुद एक्स का एक नेबरहुड है, एक्स का ये खुद एक नेबरहुड है। उसे मैं आपको इस हेडिंग में पढ़ा रहा हूं, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स। Let us consider open interval x minus epsilon x plus epsilon, जाहिर सी बात है epsilon greater than zero। एक्स माइनस एप्सिलॉन और उतनी ही दूरी इधर है ना, एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर, एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर, एक्स प्लस एप्सिलॉन, जो जिस ओपन इंटरवल की बात हम कर रहे हैं वो ये है, ये है ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन। समझ लीजिए यही एम है, एम इक्वल टू ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब ये एक्स का नेबरहुड कब होगा, नेबरहुड ऑफ एक्स कब होगा? जब एक ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट एक्स ऐसा एग्जिस्ट करे जो इसी के अंदर हो, जो इसका सबसेट हो, यानी सबसेट हो कौन, एक्स माइनस एप्सिलॉन डेस एक्स प्लस एप्सिलॉन डेस ऐसा। तो देखो इस फिगर को, इस टोपोलॉजी को समझो, क्या एक्स पर सेंटर्ड ऐसा कोई ओपन इंटरवल नहीं एग्जिस्ट कर सकता जो इस ओपन इंटरवल का सबसेट हो? सर जी एक नहीं, असंख्य ओपन इंटरवल्स हो सकते हैं। लो हम बना दिए, ये देखो ऐसे बहुत सारे बनेंगे ना। तो ये पॉइंट हो गया मान लो x माइनस एप्सिलॉन डैश, इधर हो गया x प्लस एप्सिलॉन डैश, तो ये ओपन इंटरवल है। देखो लिखे कैसे, देन
ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स बिकॉज क्योंकि देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर एप्साइलन डैश सच दैट एप्साइलन डैश इज लेस देन एप्साइलन एंड ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्साइलन डैश एक्स प्लस एप्साइलन डैश इज सबसेट ऑफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन. ये हो गई बात. और क्या लिखना. दिस नेबरहुड ऑफ एक्स इज नोन एज एप्साइलन नेबरहुड ऑफ एक्स. इसे ही कहते हैं एप्साइलन नेबरहुड ऑफ एक्स. अब आइए हम लोग लिखें एडहेरेंट पॉइंट. एडहेरेंट पॉइंट हम फिर से लिखेंगे मिटा के ना. पहले इसको आप समझ लें देख लें और मैं इसको मिटा रहा हूं. मैंने आपको समझा दिया एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स. एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स इज ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट एक्स. बस सिंपल सी बात. एडहेरेंट पॉइंट. एडहेरेंट और कॉन्टेक्ट पॉइंट भी इसको कहते हैं. कॉन्टेक्ट पॉइंट x belonging to capital R is said to be an adherent point. Adherent point of capital A which is properly contained in R if every epsilon neighborhood of x has एट लीस्ट कम से कम वन पॉइंट ऑफ ए. यही इसी को मैथमेटिकली यूं हम लिख सकते हैं. दैट इज इफ ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड इट मस्ट हैपन फॉर ऑल एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो. ये फॉर ऑल लिखेंगे तभी तो ये भाव आएगा इसमें. एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स हैज एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए. ए का कम से कम एक पॉइंट इसमें जरूर है तभी तो दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होने पाएगा. एंड इट मस्ट होल्ड फॉर एवरी एप्सिलॉन. माने लेंथ हम कुछ भी लें एक्स पर सेंटर्ड हम कितनी भी छोटी साइज का इंटरवल लें चाहे बड़ी साइज का इंटरवल लें उसके पास ए का कम से कम एक पॉइंट जरूर होना चाहिए. The set of all adherent points of capital A, comma, denoted by ADH bracket में, comma, is termed as adherence of A. Adherence of A. Thus, X belongs to adherence of A implies that and implied by open interval X minus epsilon X plus epsilon intersection A not equal to empty set for all epsilon greater than 0 and denial likhiye iska negation. X does not belong to adherence of A implies that and implied by open interval X minus epsilon X plus epsilon intersection A अब not equal to है तो हाँ equal to हो जाएगा. Empty set ये for all का negation क्या होता है. For some यहाँ some का मतलब कुछ नहीं है. यहाँ some का मतलब है किसी कोई. For some epsilon greater than zero. हम denial लिखने पर जोर देते हैं क्योंकि हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चे जहां भी denial की बात आती है वहां लड़खड़ा से जाते हैं.
अलग से नोट, देखिए स्टार बना के नोट्स लिख दे रहे हैं। एन एडहेरेंट पॉइंट इज आल्सो टर्म्ड एज अ कॉन्टैक्ट पॉइंट। द सेट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए कॉमा डिनोटेड बाय ए बार और कैपिटल सी स्मॉल एल ब्रैकेट में ए कॉमा इज टर्म्ड एज क्लोजर ऑफ ए इसे हम पढ़ेंगे क्लोजर ऑफ ए या शॉर्ट में क्लोजर ए क्लोजर। तो आज के लेक्चर की टाइटल थी ना क्लोजर ऑफ ए सेट, यही है क्लोजर ऑफ ए सेट माने एडहेरेंस ऑफ ए सेट। एडहेरेंट पॉइंट मींस कॉन्टैक्ट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, एडहेरेंस ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए। ये डेफिनेशन एक इशारा और कर रहा है, इसे भी आप लिखें अलग से। अगर एक्स ए का पॉइंट है तो वो ए का एडहेरेंट पॉइंट जरूर होगा। ईच पॉइंट, इसको ऐसे ना लिख के थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन कॉमा इट इज क्लियर दैट ईच पॉइंट ऑफ ए मस्ट बी एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। मैं आपको फील करा दे रहा हूं, ये अगर एक्स ए में हो जाए, तो बताओ इसका इंटरसेक्शन कभी एम्प्टी होगा? देखो इस एप्साइलन नेबरहुड में एक्स तो है ही है, अगर इसमें भी एक्स हो जाए तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कभी खाली आ जाएगा, कभी रिक्त होएगा, एम्प्टी होगा? नहीं ना, चाहे कितनी भी छोटी लेंथ का हम ये इंटरवल लें, इसमें एक्स तो होगा बिकॉज इट इज सेंटर्ड एट एक्स। तो यदि ए में एक्स है तो वो एक्स ए का एडहेरेंट पॉइंट जरूर होगा। इट इज क्लियर बाय द डेफिनेशन, तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। ए का जो पॉइंट है वो ए का एडहेरेंट पॉइंट जरूर होगा। टाइप्स, एडहेरेंट पॉइंट टू टाइप्स के होते हैं। एडहेरेंट पॉइंट या तो लिमिट पॉइंट होगा, और अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसी को हम बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट, अलग थलग बिंदु, आइसोलेटेड पॉइंट। आइए हम लिखें लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को। यहीं से शुरू करता है, उधर तक जाएंगे या यहां से शुरू करता है। लिमिट पॉइंट, इसके कई नाम है, वो डेफिनेशन लिखते समय हम चर्चा कर देंगे। एक बार हेडिंग में लिखें फिर डेफिनेशन में लिखें तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। एक्स बिलोंगिंग टू आर इज सेट टू बी अ लिमिट पॉइंट
और लिमिटिंग पॉइंट तेरा तुझको अर्पण, ये हमारा मिशन है। इसी के अंतर्गत ये लेक्चर सीरीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। गणितपुर चैनल का नाम है। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ये जरूर सीखिए और वीडियोस लाइक किया करिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो लाइक करिए, नहीं तो मत देखिए, छोड़िए। और क्लस्टर पॉइंट, क्लस्टर माने गुच्छा होता है, गुच्छ, क्लस्टर पॉइंट। और एक्युमुलेशन पॉइंट, एक्युमुलेशन माने होता है अंबार, संचय, ढेरी, बहुत सारे पॉइंट्स। अगर मान लीजिए इस पॉइंट के पास ढेर सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो गए तो हम बोलेंगे ना कि इसके पास बहुत सारे पॉइंट्स एक्युमुलेटेड है, पॉइंट्स की ढेरी लगी है, संचित, संचय। और एक्युमुलेशन पॉइंट ऑफ कैपिटल ए प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर इफ, अब पिछले डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, समझिएगा, इफ एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स हैज एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, यहां तक तो वही बात है, यहां तक तो वही एडेरेंट पॉइंट वाले डेफिनेशन के सब एक एक वर्ड है। अब एक इसमें हम रिस्ट्रिक्शन और डाल दे रहे हैं, अदर देन एक्स, अदर देन एक्स, इफ एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स, इफ एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स हैज एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, एक्स को छोड़कर, मैथमेटिकली स्पीकिंग दैट इज इफ एप्सिलॉन नेबरहुड माने एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन ए, एक्स को छोड़कर, एक्स हटाओ इस इंटरसेक्शन से, माइनस सिंगलेटन एक्स नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, एंड इट मस्ट हैपन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। पिछले वाले में सिर्फ ये इंटरसेक्शन था, अब की बार इंटरसेक्शन में से एक्स को हटा देना है, माने दोनों में कॉमन, एक्स को छोड़कर कम से कम एक पॉइंट कॉमन हो। द सेट ऑफ All limit points, the set of all limit points of A, comma, denoted by A dash or D of A, comma, is termed as derivative of A, derivative of A, or derived set of A, derived set of A, full stop. Thus, thus x belongs to D of A implies that, and implied by x minus epsilon x plus epsilon intersection A minus singleton x not equal to phi for all epsilon greater than zero. ये तो हो गया affirmative सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, डिनाइल, एक्स डज नॉट बिलोंग टू डी ऑफ ए इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलेटन एक्स, है ना, नॉट इक्वल टू है तो इक्वल टू एम्प्टी सेट फॉर ऑल कंजुगेशन फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। डिनाइल पर हम बहुत जोर देते हैं, कारण अभी बताया था।
जो एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट ना हो उसे आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। आगे चल के मैं क्राइटेरियन थ्योरम पढ़ाएंगे, उसमें आपको और आनंद आएगा। दरअसल देखो, जिस पॉइंट के पास, जैसे ये रियल नंबर है, दिस इज रियल नंबर x बिलोंगिंग टू R, और एक सेट ऑफ रियल नंबर से a, अगर इस पॉइंट x के पास a के पॉइंट्स की ढेरी लगी है, माने x के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एकदम पास 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 पास, अब इतने पास की गैप ही ना दिखाई पड़े, इतने मतलब ढेरी लगी हुई हो, अगर x के पास a के पॉइंट्स की ढेरी लगी हुई हो, अंबार लगा हो, तो ऐसे x को हम कहते हैं लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट। और अगर x के पास ढेरी ना लगी हो लेकिन a का कम से कम एक पॉइंट हो चिपका हुआ, बहुत पास में, इतना पास में हो कि कितनी भी छोटी लेंथ का हम ओपन इंटरवल सेट करें उसमें वो उस पॉइंट आ जाए, वो पॉइंट आ जाए, तो चिपका हुआ उस पॉइंट से चिपका, इसीलिए तो नाम पड़ा है ना एडेरेंट पॉइंट, चिपका हुआ। अब चिपका हुआ से मतलब बस समझ लीजिए, और करीब इक्वल ना होने पाए, इक्वल ना होने पाए उसके, और करीब और करीब और करीब और करीब और करीब, इसीलिए इसका नाम है चिपका हुआ बिंदु, चिपका पॉइंट, ढेरी ना लगी हो, तब हम कहेंगे ये आइसोलेटेड पॉइंट, अलग थलग पड़ा है, बस एक अकेला है। लेकिन यहां देखिए इसमें अंतर है, इसमें इसमें बहुत अंतर है, इसमें एक्स के पास ए के पॉइंट्स की ढेरी लगी हुई है, इतनी ढेरी लगी हुई, कितना भी छोटा इंटरवल एक्स परसेंटर हम कट करें, कंस्ट्रक्ट करें, उसमें कितने पॉइंट्स पकड़ में आ जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पकड़ में आ जाए, इतनी ढेरी लगी हो, और ढेरी ना लगी हो, एक पॉइंट कम से कम एक पॉइंट चिपका हुआ पॉइंट हो, वो आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। तो अब नीचे लिखिए आइसोलेटेड पॉइंट, एन एडहेरेंट पॉइंट, एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए विच इज नॉट, which is not a limit point of A, comma, is called an isolated point of A. बस इसके लिए कोई special notation नहीं है। अब एक result हम discuss करेंगे और फिर इस video को पूरा मानेंगे। रिजल्ट ये, ए क्लोजर यानी एडहेरेंस ऑफ ए, ये बराबर होता है ए यूनियन डी ऑफ ए। टू प्रूव दैट ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ A union D of A, पहला काम देखो ध्यान से, A subset B प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो, X belonging to A implies that X belonging to B दिखा देते हो, X belonging to A implies that X belongs to B दिखा देते हो, यानी A का arbitrary point B में भी है, अतः यह मान लिया जाता है तर्क की दुनिया में A के सारे points B में है, अथवा ये भी दिखाते हैं x does not belong to b implies that x does not belong to a, एक स्टेटमेंट ये है, इस स्टेटमेंट का ये कंट्रापॉजिटिव कहलाता है, बोथ आर टॉटोलॉजिकली इक्विवेलेंट, जो ट्रूथ वैल्यू इसकी है वही ट्रूथ वैल्यू इसकी है। आप देखो ए सबसेट है ना, ए सबसेट है b का, तो बस देख लो अगर x a में है तो b में भी होगा, और अगर x b में ही नहीं है यहां पे है तो a में भी नहीं होगा, वो इसी सिचुएशन में पॉसिबल है, इसी सिचुएशन में पॉसिबल है। तो इसको हम इस वाले टेक्निक से प्रूव करेंगे, इस हेडिंग को, x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन d ऑफ a इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन d ऑफ a होता तो क्या होता, x बिलोंग्स टू a या और
x बिलोंग्स टू डी ए होता। अब डेनाइल में क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग टू ए और का निगेशन एंड x डज नॉट बिलोंग टू डी ऑफ ए। फिर वही डेनाइल देखो है, x बिलोंग्स टू डी ऑफ ए होता तो क्या होता, x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलेटन x नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू फॉर ऑल एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, ये होता। तो x डज नॉट बिलोंगिंग टू डी ऑफ ए है तो क्या होगा, ओपन इंटरवल x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलेटन x इक्वल टू एम्प्टी सेट फॉर सम एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, ये होगा। यही मैं लिखने जा रहा हूँ। हाँ, डेनाइल पर ध्यान दीजिएगा, डेनाइल लिखने में बच्चे थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं। इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू a एंड ओपन इंटरवल x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन a माइनस सिंगलेटन x इक्वल्स टू एम्प्टी सेट फॉर सम एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है भाई। इंप्लाइज दैट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, x a में नहीं है। थोड़ा एक चीज अलग से पहले समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, बार बार ये आएगा। मान लो कहीं लिखा है a माइनस a इंटरसेक्शन b निकालो और उसमें से x हटा दो, तो इसका एक अर्थ ये भी तो हुआ हम a में से x हटा दें और तब इंटरसेक्शन b के साथ लें तो क्या x आएगा उस इंटरसेक्शन में, नहीं आएगा। ये भी तो हुआ a इंटरसेक्शन हम b में से पहले x को हटा दें तब इंटरसेक्शन लें, ये सब इक्विवेलेंट है टोटोलॉजिकली। इंटरसेक्शन निकाल के x हटा दो ताकि इंटरसेक्शन में x हम इग्नोर कर दें ना आने पाए, तो इसमें भी तो इंटरसेक्शन में x नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। इस नजरिए से इसको देखिए, तो a माइनस सिंगलेटन x a के बराबर होगा क्योंकि a में x है ही नहीं है, a में x है ही नहीं है तो a माइनस x का मतलब क्या हुआ, a ओपन इंटरवल x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन a इक्वल टू एम्प्टी सेट फॉर सम एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, लॉजिक लिखिए सिंस x डज नॉट बिलोंग टू a। अब सोचिए ये किसी का डिनाइल है, हाँ देखो आपको पहचानने में दिक्कत हो रही होगी, तो अब हमारा सलाह मानिए, ट्रेनिंग लीजिए, अगर ये दिक्कत हो तो इसका एफर्मेटिव सोचो, x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन a नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट फॉर सम को हम क्या लिख दें, फॉर ऑल एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, इसे तो पहचानो, इसे तो पहचानना पड़ेगा, अब ना तुम उसको पहचानोगे ना इसको, फिर क्या सीखोगे। इसका मतलब हुआ x इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ a, तो इसी का डिनाइल लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, x इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट, यानी x इज नॉट अ कॉन्टेक्ट पॉइंट, में लिख दे रहा हूं, x is not a contact point of A and this implies that x does not belong to A closure, हो गया, ठीक है ना। Therefore, क्या हमने प्रूव किया, x does not belong to A union D of A implies that x does not belong to A closure, thus A closure is subset of A union D of A, यही प्रूव करना था। फिर प्रूव करिए, टू प्रूव दैट A union D of A इज सबसेट ऑफ A क्लोजर, इसको हम प्रूव करेंगे, x बिलोंगिंग टू A union D of A implies that x belongs to A क्लोजर, स्टार्ट हमने कर दिया by set theory, x belongs to A or x belongs to D of A। मैंने आपको बताया था कि A का पॉइंट अगर x है तो x A का एडहेरेंट पॉइंट जरूर होगा, x is an adherent point by definition, x is an adherent point of A। फिर और लिखा हमने, इसका क्या मतलब हुआ, x is a limit point ऑफ ए इंप्लाइज दैट। अब डेफिनेशन अगर आपके दिमाग में बैठ गया हो कायदे से
तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो एडहेरेंट पॉइंट का प्रकार ही तो होता है। लिमिट पॉइंट इज ए टाइप ऑफ एडहेरेंट पॉइंट। अगर आप कह रहे हो एक्स लिमिट पॉइंट है तो एडहेरेंट पॉइंट भी तो होगा। तो दोनों ही संभावनाओं में एक्स क्या निकला, एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट, एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, दैट इज एक्स इज अ कॉन्टैक्ट पॉइंट, एक्स इज अ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ ए एंड दिस इंप्लाइज दैट x belongs to a closure, therefore a union d of a is subset of a closure। तो दोनों को मिक्स कर दीजिए, इसको और इसको, तो इक्वलिटी आ गई। फाइनली वी कंक्लूड दैट ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन डी ऑफ ए, प्रूव हो गया। रिमार्क लिखिए, नोट लिखिए, ये तो आपको मालूम ही है ना सेट थियरी से। ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये कोई शक है? वही चीज यहां लिखने जा रहा हूं। ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन डी ऑफ ए, डी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ A union D of A implies that A union D of A को A closure लिखते हैं हम। तो A is subset of A closure, ये देखो A closure A का superset होता है, और D of A is also subset of A closure। जाहिर सी बात है A closure में सारे adherent points होते हैं, और जितने point A में है वो सारे adherent point थोड़ी हुए, ए के बाहर रहने वाले पॉइंट भी तो एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए हो सकते हैं। वही चीज लिमिट पॉइंट के साथ भी है। लिमिट पॉइंट्स आर टाइप्स ऑफ एडहेरेंट पॉइंट्स, तो सारे एडहेरेंट पॉइंट थोड़ी, इसलिए सबसेट होगा ही होगा। ये वीडियो मैं यहीं बंद कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत को जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट पॉइंट के लिए क्राइटेरियन थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत मजेदार थ्योरम, और एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू।